माओ आजा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आजा। अप्पा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजकल मेरी शिकार की टाइमिंग को जंग लग गई है। कोई बात नहीं अप्पा, लेकिन आप खाली हाथ घर जाएंगे तो आपको पता है ना अम्मा कितना गुस्सा करेंगी। मुझे पता है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो रहा शिकार, रुक जा रुक जा। वही 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 रुक जा। अप्पा आप ठीक तो है ना अप्पा? मैं आपको खा लू। ये क्या उठा लिया मैंने? मेरा बेड लक ही खराब चल रहा है, हर काम में गड़बड़ हो जाती है, अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा अप्पा, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है ये सब पनौती के एजेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे गले पड़ा हुआ है। चलो भाई एजेंट, मेरी बहुत बैंड बजा ली, अब तो जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, तो चेंचूर हो जाओ। अब देखो मेरा कमाल। मेरी किस्मत सच में आजकल पांडिचेरी की चेरी खाने गई है। अरे तुम फिर से आ गए? तुम अप्पा के साथ साथ रहोगे पर इस तरह कब तक रहोगे उनके साथ? आप इससे ऐसे बात करिए जैसे ये कोई मेहमान हो। अगर वो मेहमान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन रहने दो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो? ये बेड लक का एजेंट है, अगर ये हमारे साथ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आज खाने में क्या बनाया तुमने? खाने में आज तुम शिकार करके लाए नहीं और कल का खाना कुछ बचा नहीं। इस एजेंट का जल्दी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अगर यही हाल है तो पूरी जिंदगी भूख हड़ताल करके निकालनी पड़ेगी। समझ गए ना तो तिचन? समझ गया, अब तो नहीं बचेगा। अप्पा इसे कितनी दूर छोड़कर आना है? इतनी दूर कि ये वापस ही ना आ सके। मेरे ख्याल से इतनी दूर काफी रहेगा। धीरे धीरे काम आसानी से हो गया। सच कहा, हमने पनौती को भगा दिया, कल से सब ठीक हो जाएगा। ये फिर से आ गया। कैसे हो गया? असल में बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तेज भागो, हमें इसे बहुत दूर छोड़कर आना है, अब ये वापस नहीं आना चाहिए। और दूर चलो, मुझे लगता है अब ये वापस नहीं आ पाएगा। फेंक दो। बैड लक का एजेंट आ गया। ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने इस भूखे को सारा खाना खिला दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे इस पर बहुत तरस आता है। आवाज मत करो। बहुत अच्छे तोते चैन, चलो अब इसे कहीं दूर छोड़कर आते हैं। अप्पा इतनी दूर काफी है ना? नहीं, थोड़ी दूर और चलो, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। गिर गई मुसीबत। चलो पीछा छूटा, अब ये कभी नहीं आएगा। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह चैन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अप्पा ये देखिए, ये ठीक है ना? हाँ, इससे काम हो जाएगा। गौन के अप्पा मेरी एक बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से बैड लक के एजेंट से पीछा छुड़ा पाओगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम इसे मेरी पीठ से उतार कर इस बोरे में डाल दो, बाकी मैं देख लूंगा। चलो बात मफ की सवारी कर ली। चलो चलो शुरू करो।
अब तुम जाओ। दोबारा जरूर आना। वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो दोबारा आने के लिए कह रही हो। रोक कर लो बात। हमारे स्पेसशिप से कोई चीज टकराई है। क्या चीज हो सकती है? लगता है कोई आदमी है। अरे ये तो बैटल का एजेंट है। मत के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। आजा, 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 छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। आजा, 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 ये आज। हाँ, हमने उस एजेंट को बेकार में भगा दिया। असल बात तो ये है कि शिकार करना अप्पा के बस की बात नहीं रही। आपने सही कहा। अरे बैडलक का एजेंट, वो वापस आ गया। बच गया बैंड। पीको चांद के लिए बादाम इकट्ठे करने हैं। चाची, अरे पीको कैसे आना हुआ? गॉन और तोते चंद कहाँ है? वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है। नहीं है? मैं तो उन्हें अपने साथ बादाम इकट्ठे करने ले जाने आई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अम्मा वो गई क्या? क्या हुआ, तुम्हें पीको के साथ जाना अब अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें बादाम इकट्ठे करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम पहले एक बार उसके साथ गए थे। अरे थोड़ा तेज चलो। तोते चैन थोड़ा और जोर लगाओ। और कितना जोर लगाऊं? बादाम इकट्ठे करने के लिए मैं और गॉन काफी थे। तोते चैन तुम्हें हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? बेकार ही हमारे पीछे पीछे रहते हो। चलो 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 जल्दी काम करो, बहुत बड़े काम करते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। और वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती है। ये सच है अम्मा? असल में पीको बहुत जिद्दी लड़की है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा तुम यही हो? अरे पीको, पीको चैन फिर से आ गई। चलो जल्दी चलो, मुझसे छुप रहे थे। छोड़ दो। तुम दोनों ने आज खाना नहीं खाया क्या? तोते चैन थोड़ा और जोर लगा। और कितना जोर लगाऊं? हम पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गया। ऐसा क्या कर लिया जो तुम थक गए? आराम मत करो, उठो और फटाफट बादाम इकट्ठे करना शुरू करो। ये तुम क्या कह रही हो पीको? आराम करने दो। मैं तुम्हें यहाँ बादाम इकट्ठे करवाने के लिए लाई हूँ, फौरन काम पे लग जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा गुस्सा तुम जानते हो। अब जल्दी से काम पे लग जाओ। हम करते हैं, बादाम इकट्ठे करते हैं। पीको चैन, क्या है? यहाँ तो एक भी बादाम नहीं है। सब जगह देख लिया। तो इसके लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जाकर उस पेड़ को हिलाओ, बादाम अपने आप नीचे गिर पड़ेंगे। शुरू हो जाओ तोते चैन। देखा कितना आसान काम है। पीको चैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गॉन। चलो हम मिलकर बादाम इकट्ठे करते हैं। रुको गॉन और तोते चैन, ऐसा करो तुम दोनों आराम करो, बादाम मैं इकट्ठे कर लूँगी। ये पीको को अचानक क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ, मुझे कुछ हो गया है क्या? तुम बदल गई हो। मुझे भी लगता है। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई हूँ। ये सच कह रही है? ये तो अजूबा है। हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाँ? खाना कैसा है? बहुत अच्छा है।
थैंक यू। लो कर लो बात। जब तक तुम दोनों खाना खा रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गाती हूँ। नहीं, तुम्हें गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है पीको। हम उसे सुन नहीं पाएंगे। तुम अपना खाना खाओ। असल में ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद पीको से एकदम अच्छे पीको बन गई हूँ। लारी 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 ला। मुझे लगता है कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। अब इसका क्या होगा? खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों, आराम मिल रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तोते चंद, तुम्हें ये पूछने की बात है? तुम ठीक हो ना पीको चैन? क्या कर रहे हो? क्या हो गया पीको चैन? पीको पहले वाले पीको नहीं रही, उसके सिर पर फिर से बादाम गिर गए और इसलिए वो अच्छे पीको से जिद्दी पीको बन गई है। पीको इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है। गलत बात है। वक्त बर्बाद मत करो और बादाम इकट्ठे करो। अब ठीक है, मैं जरा सो लेती हूँ। वो कुछ देर पहले कितनी अच्छी हो गई थी, हमें कितना आराम मिला था। अब समझा, तुम पीको के ऊपर वापस बादाम गिरा दो तो वो फिर से अच्छी पीको बन जाएगी। बात में दम है। शुरू करो। ओए तोते चैन, क्या हो गया? कहाँ है वो जिद्दी और नकचड़ी पीको जो अभी अभी सोने के लिए गई है? जल्दी बताओ क्योंकि मैं अभी अच्छा गौर नहीं रहा। ओए तोते चैन, ये पीको इतनी देर तक क्यों सो रही है? उसे जगाओ और काम करवाओ। अगर तुमने उसे नहीं जगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अच्छा गौन नहीं रहा, समझे? नहीं, मैं उसे नहीं उठा सकता। जल्दी उठाओ उसे और उसे उठाकर उससे काम करवाओ। कहाँ फंस गया? नहीं, मुझे अपने ये सुंदर गाल लाल नहीं करवाने। क्या कहा? तुम उसे जगा कर उससे काम करवा लोगे ना? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ, करवा लूँगा। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अच्छी बात है बॉस। वो देख तो नहीं रहा ना? यहाँ से बादाम गिरेंगे उस पर, और यहाँ से गिरेंगे उस पर भी। क्या किया जाए? आइडिया, गोन पर गिराता। ओए तोते चैन, तुम मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गया? ओए पीको, चलो उठो, जल्दी से बादाम इकट्ठे करना शुरू कर दो, बहुत देर सो ली तुम। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे और मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई। बादाम इकट्ठे करो। ओए तोते चैन, तुम भी इकट्ठे करो। हाँ, पहले थोड़ा और गिरा लूं। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो जिद्दी पीको बन गई है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं एक जिद्दी गर्ल से अच्छा गर्ल बन गया पीको। फिर से गिराता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धी कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए इसलिए मैं सिद्धी पीको से अच्छी पीको बन गई। पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर बादाम गिर गए और वो अच्छी पीको से सिद्धी पीको बन गई। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धी कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे सर पर बादाम गिरे और मैं अच्छे कौन से सिद्धी कौन बन गया हूँ। इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिर गए और मैं सिद्धी पीको से अच्छी पीको बन गई। कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन सर पर पड़े तो दिमाग खराब भी हो जाता है। मेरे सर पर फिर से बादाम गिर गए और मैं सिद्धी कौन से अच्छा कौन बन गया हूँ। अब तुम दोनों बस भी करो। उस्ताद शिकारी का हेलमेट। अरे, इस हेलमेट के होते हुए मुझे शिकार हाथ नहीं लगा। पहले तो इसकी बात ही अलग हुआ करती थी। उस समय तो मैंने इसे अच्छी तरह मंत्र फूंक कर तैयार किया था। मुझे लगता है कि इसमें अब भी कुछ ताकत बाकी है। बहुत भूख लगी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हेलमेट के होते हुए मुझे खाना नसीब क्यों नहीं हो रहा है। हमने जंगली तपीर का शिकार किया, हमने जंगली तपीर का शिकार किया, हमने जंगली तपीर का शिकार किया। सुनो, क्या तुम मुझे ये जंगली तपीर दे सकते हो? क्या, हम क्यों दे? तो हमने पकड़ा है। हाँ, हमने।
मुझे पता है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये लो। क्या हेलमेट? लेकिन इस हेलमेट को तुम कोई मामूली हेलमेट समझने की गलती मत करना। इस हेलमेट में उस्ताद शिकारी का आशीर्वाद और उसकी सारी ताकतें हैं। अगर तुम इस कमाल के हेलमेट को पहनोगे तो तुम भी उस्ताद शिकारी बन जाओगे। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची। तो आप क्यों नहीं इसे पहन लेते अंकल? क्या आप उस्ताद शिकारी नहीं बनना चाहते? मुझे पता है इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें ताकत है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों का हेलमेट है। ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही समझदार लगता है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बच्चों का हेलमेट है तो बच्चों को ही आएगा। पते की बात कही। वही तो। लेकिन क्या आप ये काम की चीजें जंगली तबीर के बदले दे देंगे उस्ताद? अगर मैं आसानी से मान गया तो हो सकता है कि इसे मुझ पर शक हो जाए। इतनी कीमती चीज मैं हर किसी को नहीं दे सकता। हाँ? कोई बात नहीं, ये पकड़ो। थैंक यू। अरे सुनो, चलो मेरा काम तो हो गया। हेलमेट किसी काम के नहीं, बेकार। लगता है आज शिकार खुद ही करना पड़ेगा। सुनो, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे को हेलमेट दिया था? निकल लो। भाग कर रहे हो तुम? हाँ, दिया तो था। मेरे बेटे का नाम गॉन है और उसके मुंह से मैं तुम्हारे हेलमेट की सारी कहानी सुन चुका हूँ, समझे तुम? तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैं सब जानता हूँ। अगर बच्चों के सर का उस्ताद शिकारी का हेलमेट है तो बड़ों के सर का भी होगा। लेकिन वो हेलमेट तो नकली है, मैं जानता हूँ। उसने तुम दोनों को उल्लू बना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच है। उस उस्ताद ने मुझसे कहा था कि इस हेलमेट को पहनकर मैं उस्ताद शिकारी बन जाऊंगा। बहुत ही अच्छा जोक था। मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। मैं शिकार लाया। चलो 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 एक और शिकार लाया। चलो 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 एक और शिकार लाया। एक और शिकार लाया। चलो 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 चलो। अप्पा, हमने बड़ा शिकार लाया। ये तो मेहमत को भी पकड़ लाया और मैं अपने बेटे के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गया। प्लीज मुझे भी एक उस्ताद शिकारी का हेलमेट दे दो ना, ताकि मैं भी उस्ताद शिकारी बन जाऊं और हर बार शिकार करके लाऊं। मुझे पता नहीं था लोग इतने बेवकूफ होते हैं। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हेलमेट के लिए मुझे बहुत मंत्र पढ़ने पड़ेंगे और इसमें बहुत खर्चा भी आएगा। मुझे बस हेलमेट चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे हेलमेट दे दो। जय हो हेलमेट के एजेंट, दिखा दो अपना कमाल और मचा दो धमाल। बम बम चिकम, पूजा पूरी हो गई। बम बम चिकम, बीच में टांग मत अड़ाओ, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम। अरे वाह, मच गया धमाल। अरे वाह, अब देखो मेरा कमाल। अब तो नहीं बचेगा। अरे ये क्या चक्कर है, मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकी थी, फिर ये मछली का कांटा कैसे बन गया? देख लिया, टांग लाने का नतीजा क्या होता है। लगता है उस्ताद शिकारी की जगह तुम्हें मछली पकड़ने के शिकारी का आशीर्वाद मिल गया है। बम बम चिकम, बम बम चिकम, बम बम चिकम, चिकबम 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 चिकबम। बस अब देखो मेरा कमाल, अब तो नहीं बचेगा। ये ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है इस बार खेती करने वाले उस्ताद का आशीर्वाद मिल गया है। बम चिकम बम बम बम, इस बार कोई गलती मत करना। तुम्हारी गलती की वजह से मैं शिकार करने की बजाय खुद शिकार होते होते बचाऊं। पता है, टेंशन मत दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। अब कोना पकड़ कर बैठ जाओ। बम चिकम बम चिकम बम चिकम बम बम चिकम बम चिकम बम चिकम बम बम चिकम बम चिकम। हो गया, इस बार हेलमेट अपना कमाल जरूर दिखाएगा। अब मचेगा धमाल, लेकिन इस बार इससे पहले तुम पहनोगे। क्या?
मैं पहनूं? हाँ, इससे पहले तुम पहनोगे ताकि मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो। अगर इस हेलमेट ने काम नहीं किया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अगर इस बार इसने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ, इस बार ये अपना कमाल जरूर करके दिखाएगा। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे अब मैं। मेहमत के बच्चे, तू तो गया। चम्मा 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 चम्मा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस बार हेलमेट को उस्ताद शिकारी का नहीं बल्कि डांस मास्टर का आशीर्वाद मिला है। चम्मा चम्मा, ये मुझे क्या हो गया अम्मा? लगता है कि ये आशीर्वाद काफी तगड़ा है, क्योंकि उसके साथ साथ मेहमत भी नाच रहा है। चम्मा 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 चम्मा। अरे अब्बा, नाच क्यों रहे हैं? मैं नाच नहीं रहा हूँ, नचाया जा रहा हूँ। चम्मा चम्मा, कहाँ है गान की अम्मा? तारों की राजकुमारी धरती पर आई। तुमने कभी सोचा है कि ये सारे तारे आसमान में एक साथ क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। तुम्हें लगता है कि इन तारों के भी अम्मा अप्पा और दोस्त होते होंगे? जरूर होते होंगे। अरे वहाँ देखो, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे वहाँ कोई आदमी हाथों में तीर कमान लेकर खड़ा हो? और उधर देखो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ मामा खड़ा है। और तोती चिन, जरा उस बड़े वाले तारे को देखो। बड़ा तारा तो अपने आस पास के तारों को खा रहा है। अरे बड़े तारे को तीर लग गया। बड़ा तारा गिर पड़ा। चलो जाकर देखते हैं। जल्दी चलो। अरे ये तो जमीन में धस गया है, लेकिन समझ में नहीं आता ये तारा नीचे कैसे गिर पड़ा। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है? लगता है तारा अटक गया है। तोते चैन, चलो उसकी मदद करते हैं। हाँ चलो। मैं तो खुद ही बाहर निकल आती, लेकिन कोई मुझे छुए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। पर छू लिया तो तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई? अब तुम क्या समझोगे मुझे क्या परेशानी हो गई? तुम ठहरे धरती के इंसान और वो भी छोटे छोटे मामूली इंसान। मुझे तो तारों की दुनिया की हिफाजत करनी पड़ती है, और क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ मुझे अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें कुछ आइडिया ये कहाँ से छूट कर आई है? पागल खाने से। और क्या कहा तुमने? वैसे अगर तारों की दुनिया में तुम किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या चीज हूँ। मैं तारों की राजकुमारी। मैं हूँ गॉड, और मेरे जैसा कोई नहीं। मुझे कहते हैं तोते चैन। तुम चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे अपने ऊपर किस बात का घमंड है? खैर, अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, वरना मेरे बिना सब अकेले पड़ जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों मैं आसमान में वापस नहीं जा पा रही हूँ? शायद तुम्हें थोड़ी डाइटिंग करनी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं ऊपर नहीं जा पाई तो ये दोनों मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे। सुनो बच्चे और गोरिल्ला, मुझे जल्दी से उठाकर उस पहाड़ के ऊपर ले चलो। हम नहीं ले जाएंगे, इतना बोझ नहीं उठा सकते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों पर तारे गिरा कर तुम दोनों को कड़ी सजा दूंगी। हम ले जाएंगे। लगता है इतनी ऊपर आकर मेरा काम हो जाएगा। चलो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मेरा काम हो चुका है। अब मैं अपने आप ऊपर चली जाऊंगी और मुझे तुम्हारी दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बाय बाय, टाइम मिले तभी वापस मत आना। हमें तुम्हारी याद नहीं आएगी। Oh!
ये क्या हो गया? मैं वापस ऊपर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो मैं इसी जगह पर रहकर राज करूंगी और यहाँ की राजकुमारी बनूंगी। सुना तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ। नहीं आएंगे। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर तारे गिराकर इसकी सजा दूंगी। हम आएंगे, हम आएंगे। मैं वापस नहीं जाऊंगी और अब मैं यहीं रहकर इस पूरे प्लेनेट को अपना नौकर बनाना चाहती हूँ। पर अगर तारों की दुनिया वाली राजकुमारी को इतना चाहते हैं तो वो वापस क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि मेरा वापस जाने का मन नहीं है, समझे? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम राजकुमारी होने का दिखावा कर रही हो। ये क्या, इसे मेरे राजकुमारी होने पर शक हो रहा है। शायद मैं चमक नहीं रही। हाँ, मुझे लगता है नीचे गिरते समय मेरी चमक भी गिर गई होगी। तुम दोनों जाओ और इसी वक्त मेरी चमक इकट्ठी करके ले आओ। क्या, ये काम हमसे नहीं होगा। याद है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तारे गिराकर इसकी सजा दूंगे। हम चमक लेकर आएंगे, हम चमक अभी इकट्ठा करके लाएंगे। जल्दी चलो तोते चैन। वहाँ फंस गए। देखा, वो मेरी बात मान गई क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ। मुझे वो तारों की राजकुमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तोते चैन। लेकिन अब हम उसकी चमक कहाँ से ढूंढ कर लाए? एक मिनट जरा वहाँ देखो। तुम सब रो क्यों रहे हो? डरो नहीं, हमें तुम्हारी राजकुमारी ने ही तुम्हें लाने के लिए भेजा है। हम सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम चुप क्यों रहे हो? हम सब बहुत उदास हैं क्योंकि हम राजकुमारी के पास वापस नहीं जाना चाहते हैं और इसलिए हम रो रहे हैं। क्या, पर तुम उसके पास क्यों नहीं जाना चाहते? असल में हमारी राजकुमारी बहुत जिद्दी है। वो बस यही चाहती है कि वो और चमकती रहे और चमकती रहे। उसकी जिद की वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अब हम क्या करें? नहीं सोचो। अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो वो हमें सजा देगी। आइडिया, मैं तुम सबको सूरज की रोशनी के साथ मिला दूंगा, फिर तुम बच भी जाओगे और तुम्हें राजकुमारी के पास वापस जाना ही नहीं पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह। लेकिन राजकुमारी के होते हुए तुम ये काम करोगे कैसे? बताओ बताओ। बहुत देर हो गई उस बच्चे और गोरिल्ले को। वो रहे दोनों। अब मैं तुम्हें नदी के पानी में डाल दूंगा, फिर तुम सूरज की रोशनी में मिल जाओगे और तुम राजकुमारी से भी बच जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम उन्हें सजा नहीं दे सकती। अरे तीरंदाज आ गया, भागा। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। वो तीरंदाज उस राजकुमारी को तारों की दुनिया में वापस ले जाने के लिए आया था ताकि उसे सजा दे सके। देखो अब राजकुमारी कितनी छोटी हो गई। बोलने वाले पंछी ने कर दी सबकी बोलती बंद। पिको बहुत सुंदर है, पिको बहुत सुंदर है। अरे वाह, ये तो बोलने वाला पंछी है। हाँ, है ना कितना प्यारा, और ये बिल्कुल हमारी तरह बोलता है। अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौन है। मेरा नाम गौन है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं गौन हूँ। तुम जो भी बोलोगे ये उसी को दोहराता रहता है, समझे बुद्धू कहेंगे। मुझे नहीं पता था बुद्धू कहेंगे। ये कितना नकलची है पिको। पिको बहुत सुंदर है, पिको बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम गौन के साथ रह के कोई गंदी बातें मत सीखना। मेरे साथ? हाँ, असल में मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक केले तुम्हारे साथ रहेगा। इसे केले बहुत पसंद है, इसलिए खाने में इसे केले देना, समझ गए ना? समझ गए ना। और इस बात का ध्यान रखना कि इसे उठकर भागने की आदत है। कपड़े है धोने, कपड़े चमकाने, कपड़े है धोने मुझे आज, कपड़े है धोने। ओ, इस ठंडी हवा को अभी चलना था। ऐसी ठंडी हवा में कपड़े धोने से मेरे हाथ सुन पड़ जाते हैं, क्या करूं? हाँ, मुझे अपने घर के बने शहद का सहारा लेना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, इसे अपने हाथ पर लगाने से मेरे हाथ पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, कितना मीठा।
पता मीठा शहद है, किसी को नहीं पता। मैं अपने आप को फिट रखने के लिए रोज शहद खाती हूँ। ये शहद मैंने सबकी नजरों से बचा कर यहाँ रखा है। बचा कर यहाँ रखा है? कौन है? लगता है यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? अजीब बात है। रुक जाओ! ये तो कौन है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? ठंड लग रही है। अब इस ठंड के मौसम में मेरा शिकार करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अम्मा तो मुझसे हर वक्त यही कहती रहती है। पापा, मुझे स्वादिष्ट पकौड़े खाने हैं। अब उसे कौन समझाए कि इस ठंड में शिकार नहीं मिलते हैं। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। कौन बोला, कौन बोला? अरे मैंने तो अभी अभी एक आदमी की आवाज सुनी थी। तुम किस टाइप के पंछी हो? मैंने ऐसा पंछी अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं मत नहीं तो यही सही। ये तो अप्पा की आवाज है, चलो देखते हैं। अरे रे 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 रे, उतरो उतरो मेरे सिर पर से उतरो। देखा? सब देखो। इधर आओ, तुम्हें केले देंगे। केले देंगे, केले देंगे। आखिर हमने इसे पकड़ ही लिया। अप्पा आप ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? ये पूछने से पहले मेरी हालत तो देख लो। अच्छा, तो ये पंछी तुम्हें पीको चैन ने दिया है? हाँ, हमें कल तक इस पंछी की देखभाल करनी है। क्या तुम पागल हो क्या? इसी समय इस मुसीबत को वापस करके आओ। इस मुसीबत को वापस करके आओ। हाँ, ये बोलता है? हाँ, असल में ये बोलने वाला पंछी है। मुसीबत है? अरे वाह, ये तो बहुत अकलमंद पंछी है। अकलमंद पंछी? नहीं, ये अकलमंद पंछी नहीं है, असल में ये एकदम बेअकल है। अम्मा तो एकदम बेअकल है। अरे ये क्या कह रहे हो, चुप हो जाओ, झूठ मत बोलो। तुम क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ। गौन की अम्मा, ये एकदम झूठ बोल रहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अम्मा के दिमाग में अकल नहीं, भूसा भरा है। चुप हो जाओ, झूठ मत बोल। तुम मेरे दिमाग में भूसा भरा है। गौन की अम्मा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये झूठ है। अप्पा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं तुम्हें बेअकल लगती हूँ। शहद खाया, शहद खाया। शहद खाया? मीठा शहद खाया। अम्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अकेले अकेले शहद भी खाती हो। वो देखो, वहाँ पंछी उड़ रहा है। अरे वाह, पंछी उड़ता ही है। होश भी तो उड़ गए हैं। हाँ, ये पीको क्या मुसीबत पकड़ा गई है। वो खुद भी तो एक मुसीबत ही है। वो हमेशा मुझ पर दादागिरी झाड़ती रहती है। हम दोनों पर। वो मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। पीको मुसीबत है। अरे रुक जाओ। पता नहीं कहाँ चला गया। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी की बात बोलना भूल जाएगा। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। पीको के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। पीको मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। अरे रुक जा। फिर से हाथ से निकल गया। हमने भी बेकार की मुसीबत अपने गले में डाल ली। कहाँ गया? पेड़ के ऊपर है। निकलो बाहर, नीचे बाहर निकलो। पीको दादागिरी झाड़ती है। पीको मुसीबत है। पीको दादागिरी झाड़ती है। उसे पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। तोते चे, उसे केले का लालच हो। तुम्हारे लिए केला लाए। केला लाए हैं, केला लाए हैं। कहाँ फंस गया? अब मैं इसे और नहीं झेल सकता। चलो इसे पीको को वापस करने चलते हैं। वापस करने चलते हैं।